तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप किस तरीके से जो अपना पबजी मोबाइल का केयर वर्सन है अभी के टाइम पे, उसे किस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे, वो भी आसान तरीके से। ये सारा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस जो है वहाँ पर होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। आप किस तरीके से जो है पबजी मोबाइल के केयर वर्सन को कम्प्लीटली डाउनलोड कर पाओगे और लॉगिन करके वहाँ पर गेम भी खेल पाओगे, ठीक है। तो मैप वगैरह डाउनलोड भी हो पाएगा आपका बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या कुछ करना है, कैसे करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जाते हैं सब कुछ डिटेल्स में। अगर इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जैप करेक्ट का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी आगे इस तरीके का वीडियो लाता रहूँ वो सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स में आप लोगों को जो है यहाँ पर समझाता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है टैप टैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर टैप टैप लिख के आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर स्किप मत करो क्योंकि आगे का बहुत जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टैप टैप सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो भी फर्स्ट वाला लिंक आएगा तो आपको सिंपली उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास जो है टैप टैप का यहाँ पर होम पेज खुलकर आ जाएगा। तो जैसे ही आता है तो आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है मैं आप यहाँ पर दिखाता हूँ। एक मिनट, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो मैं यहाँ पर जो है अपना वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर टैप टैप के होम पेज पे आ जाओगे, देख लीजिए कुछ इस तरीके से, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर नीचे की साइड एक डाउनलोड का बटन दिख जाएगा टैप टैप ऐप का, ठीक है। तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो है डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल वगैरह करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जो है सिंपली परमिशन वगैरह अलाउ कर देना है ओपन करने के बाद, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो है डाउनलोड यहाँ पर 100% कम्प्लीट हो चुका है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए मेरा अपना यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है ये, अभी जो है यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर पबजी मोबाइल केयर लिख के यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख के सर्च कर लिया। तो ये वाला ऐप है, देख लीजिए केयर वर्सन का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर साइड पे डाउनलोड का बटन दिया है तो क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको परमिशंस कुछ मांगेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर देना है सारा कुछ। तो यहाँ पर ऑथराइजेशन के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑथराइज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो है एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, ऑथराइजेशन तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, कुछ सेकेंड के लिए वेट करना है, तो उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता, क्रिएट ओबीबी फाइल एरर कुछ दिखा रहा है, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पर डाल दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपना जो है डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो डाउनलोड यहाँ पर कंप्लीट होने देते हैं, जैसे कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर से बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए अपना डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अपना इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल जैसे ही कंप्लीट हो रहा है मैं यहाँ पर गेम को ओपन करके भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ओपन करने के बाद जो भी परमिशन वगैरह मांगे आपको सिंपली अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन करते वक्त यहाँ पर जो है इस तरीके का नेटवर्क एरर दिखा रहा है, तो इसे जो है किस तरीके से फिक्स करना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ आगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है होम पे आ जाता हूँ। सिंपली होम पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है सोलो वीपीएन, ठीक है। तो सोलो वीपीएन को यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर जो है यहाँ पर सर्वर पर क्लिक करके इसे जो है आपको कोरियन सर्वर से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो कोरियन सर्वर से कनेक्ट करने के बाद आपको जो है गेम को फिर से जो है रिस्टार्ट कर देना है, रिसेंट से हटाकर फिर से ओपन कर लेना है। तो आपका जो है 100% इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको जो भी यहाँ पर ग्राफिक चूज करके डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर फटाफट सारा कुछ कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 300 MB का सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर अपना जो है डाउनलोड कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, कंपाइलिंग रिसोर्सेज हो रहा है, तो ये भी जो है यहाँ पर फटाक से कंप्लीट हो चुका है अपना। तो अपना नाम वगैरह यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर अपना जो है सारा कुछ लॉगिन हो चुका है और हम जो यहाँ पर गेम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो लॉगिन वगैरह करना तो आपको मालूम ही होगा, बहुत ही आसान तरीका है। फेसबुक वगैरह से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। दिक्कत अगर आपको हो सकता है तो वहाँ पर जो आपको दिखाएगा क्रिएट ओबीवी जो है कैन नॉट फाइंड ओबीवी फाइल, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर शो करेगा। अगर आप लोगों के पास कुछ उस तरीके का शो करता है तो उसका जो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है अननोन ऐप्स, ठीक है। अननोन ऐप्स जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा इंस्टॉल्ड ऐप, तो उसके अंदर आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको जो है सिंपली जो है टैप टैप एप्लीकेशन को जो वहाँ पर अलाउ कर देना है। अगर आपको नहीं मालूम ऐसा किस तरीके से होता है तो आप सिंपली, मैं आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर लो। वहाँ पर जो है मैं डाल दूंगा जो है क्रिएट ओबीवी फाइल का एरर किस तरीके से फिक्स करते हैं। ठीक है, तो सभी गेम के लिए जो है ये सारा कुछ है, तो आप जो है इसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो उस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो देखिए अपना यहाँ पर के आर वर्सन जो है कम्प्लीटली लॉगिन हो चुका है। ये जो है बाकी वर्सन के जैसे ही है यहाँ पर सेटिंग वगैरह, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है सारा कुछ सेम ही यहीं पर है। ठीक है, BGMI वगैरह ग्लोबल पे के आर पे सभी पे जो है यहाँ पर सेम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैप वगैरह वही सारा कुछ है। ओके, तो यहाँ पर उन इन लोगों का जो है इवेंट कुछ अलग टाइप का है, BGMI पे अपना अलग है, तो यहाँ पर इन लोगों का जो है इवेंट वगैरह अलग है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए ये रहा कोरियन वर्सन। अगर आप लोगों को कोरियन वर्सन खेलना है तो आप इसी प्रकार से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। मैप वगैरह डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली VPN को डिसकनेक्ट कर देना है, फिर उसके बाद जो है आप अपना गेम नॉर्मली खेल सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के एक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड द चैनल।